एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी डॉट प्रिया बीडी सीक्रेट्स। आई होप यू ऑल वेल। आज मैं आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं कोलैबोरेशन करने वाली हूँ अपनी मॉम के साथ। इनका चैनल है नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड, आप सब जानते हैं इनको। हाय। और आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि ब्यूटिशियन के अगर जब हम आईब्रो करते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, कैसे ब्यूटिशियंस नखरे करते हैं जब उन्हें आता है कि आईब्रो कैसे बनाते हैं, और वो किसी और से जब बनवाते हैं तो उनके कितने सारे आइडियाज होते हैं ये बताने के कि आईब्रो कैसे बनेगी और कैसे नहीं, कहां से बाल निकालना है कहां से नहीं। क्योंकि लाइट आईब्रोज है मेरी मम्मा की, और जब मैं इनके आईब्रो बनाती हूँ तो ये कितने टाइप के मेरे को सजेशन देती है कि ऐसे ऐसे आईब्रो बनाओ, फिर भी मुझसे ये आईब्रो बनवाती है। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आई होप आपको पसंद जरूर आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स हमारे दोनों के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पाउडर, जैसे कि आप सबको पता है आईब्रो करने से पहले पाउडर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर जिन लोगों की लाइट आईब्रोज होती है, आप देख सकते हैं मेरी मम्मा की आईब्रोज बहुत ज्यादा लाइट है, और मैं ये बिंदी हटा दूंगी यहाँ से। आप देख सकते हैं आईब्रोज बहुत ज्यादा लाइट है, और इनको करने के लिए मैं पाउडर बहुत कम लगाती हूँ ताकि बाल जो है वो ढंग से दिखे। पाउडर की वजह से बाल काफी ज्यादा दिखते नहीं है, तो मैं कभी कभार लगाती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं इनसे स्किन टाइट पकड़वा लेती हूँ। मुझे काफी टाइम हो गया बनाते हुए। सो अगर आप लोग बना रहे हैं तो पाउडर कम लगाएं। सो हल्का सा लगा लेंगे कि बस जो स्वेट होता है वो ना रहे, और किसी के भी आईब्रो पेंसिल वगैरह लगी हो तो वो सब हटा लेंगे क्योंकि उससे शेप बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आईब्रोज करना। तो मैं ये थ्रेड ले रही हूँ, ये ऑर्गेनिक थ्रेड है। और आप सब ध्यान रखें, जब आप आईब्रोज बनाते हैं किसी की स्किन बहुत ज्यादा टाइट होती है, किसी की बहुत ज्यादा लूज होती है, तो अच्छे तरीके से स्ट्रेच करके रखें ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि कट्स पड़ जाते हैं तो वो दो दिन तक रहते हैं ठीक होने के लिए। तो चल रहे हैं वीडियो की तरफ। मैं ये ऑर्गेनिक थ्रेड ले रही हूँ और इससे मैं आईब्रोज करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं अब आईब्रोज। जिनकी भी पतली आईब्रोज होती है हमेशा ध्यान रखें कि मतलब दूर से बनाएं ताकि उनकी जो आईब्रोज की ग्रोथ है वो दिखे। क्योंकि लाइट आईब्रोज में चाहे आप मोटी पतली बना देंगे तो बहुत ज्यादा पतली लगती है और बहुत ज्यादा खराब लगती है फेस पे। तो पतली जिनकी लाइट आईब्रोज होती है उनके दूर से बाल निकालें ताकि वो अच्छी लगे और फिनिश भी अच्छी आए। आप ग्रोथ देख सकते हैं आईब्रोज की। ऊपर की साइड से सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद हम नीचे की साइड से बनाएंगे। यहाँ छोड़ दिए, यहाँ पर भी छोड़ लो, यहाँ पर। बनाने तो अब ये ऊपर की तरफ से बन गई है, अब हम नीचे की तरफ से बनाते हैं। अब जब मैं बना लू ना तभी लेना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करूँ, थोड़ी निकाल दो एक्स्ट्रा अच्छी दिलाई, तो पास मत जाइए, लेंथ भी मत छेड़ो। इनके आईब्रोज अब हो चुके हैं, दूर दूर से बस फिनिशिंग देनी होती है मेरे को। आप देख सकते हैं आपको शेप भी दिख रही होगी एक क्लियर। सो अब हम जल्द चलिए, अपनी लाइट आईब्रो इतनी अच्छी लगती है क्योंकि लाइट आईब्रो में जरूरी नहीं है कि आप मोटी रखें और एक शेप ना हो,
तो आई वॉज लाइट बी शेप है बट शेप बहुत अच्छी आनी चाहिए जिससे ज्यादा अच्छी लगे। तो ये मेरी डॉटर ही देती है इसीलिए मैं इसी से बनवाती हूँ, बट दिमाग भी बहुत खा जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आईब्रोज की तरफ। सो अब सेकेंड आईब्रोज करेंगे हम। तो ये मैंने हल्के हल्के निकाले हैं इनके अपर साइड से बाल। अब मैं स्टार्ट करूंगी नीचे से। आप लोगों ने जैसे कि देखा है मैंने आईब्रोज बना ली है। हम लोगों को बहुत सारी ध्यान रखना पड़ता है बातों का लाइट आईब्रोज बनाते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा लाइट होती है और जैसे कि बाल नीचे काफी ज्यादा छोटे छोटे हल्के हल्के होते हैं, वो दिखते नहीं है, और तो हमें काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि स्किन को टाइट से पकड़े, बालों को अच्छे तरीके से निकाले टाइट स्किन को पकड़वा कर, ताकि कट ना आए कोई, जिसकी वजह से उन्हें कई बार ब्लड आ जाता है ऐसी आईब्रोज में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, अपने हाथ को हल्का रखें आईब्रोज बनाते हुए। सो थ्रेड्स अच्छे यूज करें, और आपने जैसे कि देखा है बार बार आईब्रोज छोड़ देते हैं वीडियो बनाते हुए, सेम ये हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से कई बार मैं बैठ जाती हूँ कि यार पहले आप चेक कर लो अच्छे तरीके से, फिर मैं आपके आईब्रोज बनाती हूँ। लाइट आईब्रोज में थोड़ा डर तो लगता है ना, जो है वो भी उड़ ना जाए। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस के साथ अपडेटेड रहें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने मेरे मम्मा का चैनल अब तक चेक नहीं किया है नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 300 अप्रॉक्स वीडियोस है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है, मेकअप ट्यूटोरियल्स है, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ बताया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं वो सब देखना या सीखना तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा ब्लॉग चेक कर सकते हैं, मेरी डॉटर का ब्यूटी सीक्रेट से हमारा ब्लॉग चेक कर सकते हैं, फेसबुक पेज चेक कर सकते हैं, और मेरे चैनल और मेरे डॉक्टर का चैनल। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड कमेंट माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।